फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी सुबह का 9 बज रहा है, तो सुबह का सारा काम मैंने कर लिया है, घर और साफ करना, पोछा वोछा लगाना, और नहा भी ली हूँ। और अभी नाश्ता बनाऊंगी, सोचती हूँ क्या बनाऊँ। और अभी सुबह का देखिए 9 बज रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैं सीधा दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी सब लोग उठे, तो अभी सब लोग गए हैं ब्रश करने, तो आएंगे तो अभी चाय बैठाऊंगी मैं। चाय तो मैंने सुबह पी लिया है, पर फिर अभी हस्बैंड के साथ पीऊँगी, तो बनाने जा रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लग गई हूँ चाय बनाने में, और एकदम फटाफट से पहले चाय बना लूँ, फिर उसके बाद चाय पियेंगे थोड़ा देर के बाद, फिर नाश्ता वास्ता बनाऊँगी मैं। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है मैंने, तो क्योंकि आज जल्दी काम हो गया। आज पता है आपको, मैं मोबाइल देखने नहीं बैठी थी, नहीं तो सुबह सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं, और मोबाइल देखने बैठ जाती हूँ तो एक ही बार उठती हूँ 9 बजे, तो मेरा सारा काम वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ, आज मोबाइल ना देखूँ। तो चार्ज में लगा के मैंने छोड़ दिया था मोबाइल, और पहले सारा काम किया मैंने, झाड़ू उड़ू मारा, पोछा लगाया, फिर नहाया, तो 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। कपड़े उपड़े भी सुखाना था, वो भी मैंने सुखाया। तो अब देखिए आराम आराम से कर रही हूँ। और ये है सोनी का रिज़ल्ट, जो मैं एक बार फिर चेक कर रही हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, कौन में ज़्यादा मार्क्स है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं उसको बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करो उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में उसका कम आया है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए हैं ब्रश व्रश करके, तब हम लोग दोनों चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। सोच रही हूँ, रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या नाश्ता बनाऊँ, क्या खाना बनाऊँ, उफ मैं तो तंग आ जाती हूँ सोच सोच के। तो फिर सब मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आलू फ्राई कर लिया है, और इसमें अब मैं डालूँगी नमक और हल्दी और काली मिर्च, और ये हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको धीरे धीरे मैं फ्राई करते रहूँगी। उसके बाद पराठा बनाऊंगी, चारकोन वाला चकोर पराठा दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर मैं चारकोन पराठा बना रही हूँ, और मुझे बहुत पसंद थे, पहले मैं छोटी थी तो मेरे माँ के हाथों का, क्योंकि मेरी माँ बनाती थी, थोड़ा सा मोटा मोटा बनाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि 3-4 परत निकल जाता था जब खोलते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था खाने में, और चाय में डुबो के बहुत ही टेस्टी लगता था, मीठा मीठा। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ से कुछ ना कुछ यादें जुड़ी रहती है, तो बनाते समय या कुछ करते समय याद आ जाती है। तो लो जी, हमारा पराठा बन गया है, और यहाँ पर आलू भी फ्राई हो गया है, ये देखिए, और इस तरह से क्रंची क्रंची बहुत ही टेस्टी लगती है, थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई कर देती हूँ मैं। तो अब करेंगे नाश्ता हम लोग। तो पहले ईशान को खिला दूँ, और इतना करते करते बज गया है 10:30। मम्मा आ जाओ आ जाओ, आओ, ये कैसे आ रहे हो? आओ नाश्ता रखा है यहाँ पे, जल्दी आओ। 1 2 3 ऐश यहाँ पे आओ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता हो गया है, और ये देखिए, ये एक नाइटी है सिंपल सा, ये कल की वीडियो है जो मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। तो ये नाइटी को सिंपल सा है, पर मैं इसे सोच रही हूँ कुछ अलग लुक दूँ, क्योंकि इसका गला भी बहुत बड़ा है, और ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सोची इसको थोड़ा सा कट छट के कुछ अलग सा बना दूँ मैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, और आपको भी दिखाती हूँ। तो ये सबको मैंने खोल लिया है, और ये देखिए, इतना एक्स्ट्रा था गला, बहुत ही बड़ा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, और ये 14 इंच नाप के यहाँ पे मैंने दाग कर दिया है, और दाग किस लिए किया है वो मैं आगे बताऊँगी आपको। और यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा लेंथ छोटा कर रही हूँ, इसका लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो इस ये भी मेरे काम आ जाएंगे। और ये देखिए, जो बाजू है इसको मैं कट करके इसका कुछ यूज़ करूँगी कहीं, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैं सब कट करके रख रही हूँ, और ये जो बाजू है ये एक साइड का कट कर ली हूँ, और दूसरे साइड का भी ये कट करके रख लूँगी। तो ये सब काम आएंगे सिलाने में, मुझे क्या क्या डिज़ाइन बनाना है उसका। और ये देखिए, 1 इंच और मैंने काटा है ये डोरी के लिए,
तो ये भी खोल के दो हिस्सों में बांट लिया है मैंने। तो ये देखिए, पहले सबसे पहले मैं डोरी सी रही हूँ, उसके बाद जो ये 14 इंच पे मैंने दाग किया था वहाँ पे मैं 1 इंच का कपड़ा दोनों तरफ से सिलाई लगा के और बीच से गैप छोड़ दूँगी क्योंकि इसी में डोरी लगेगी। तो ये कमर पे हो जाएगी, वहाँ पे डोरी लगी, फ्रॉक स्टाइल हो जाएगा ये नाइटी। तो दोनों साइड मैंने सी दिया है, उसमें फिर डोरी लगा के एक साइड में सिल दूंगी और डोरी को, और एक साइड ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि जब पहनने के बाद ऐसे खींच के फिर वहाँ पे रिबन ऐसा बांध देना होगा तो ये इलास्टिक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डोरी लगा दिया है और इसको अब फिक्स कर सिलाई कर दूंगी। उसके बाद बाजू बाजू सिलाई करूँगी, और ये मैं बाजू सोची कि थोड़ा सा डिज़ाइन वाला बाजू सिला दूँ, तो उसके लिए मैंने ये जो 1.5 इंच का कपड़ा कट किया था लेंथ से, तो उसी को मैं इस तरह से प्लेट दे के बैठा रही हूँ। तो दोनों हाथ में लगा दूँगी, पहले प्लेट बैठा दूँ, उसके बाद फिर टेढ़ा पट्टी काट के इसको हाथ बाजू सिलाई कर दूँगी अटैच करके एक साथ। तो अभी ये भी कंप्लीट हो गया है, तो आपको दिखाऊंगी इसको कैसे लगाई मैं। तो बाजू बन गया है, ये देखिए किस तरह से डिज़ाइन हुआ है। पहले इसको सिल लो, तो ये साइड में मैंने मोड़ के भी सिल लिया है अलग से पट्टी लगा के। तो इस तरह से हाथ, तो फ्रेंड्स सिंपल सा नाइटी को एक डिफरेंट लुक दे दिया है मैंने। तो ये लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स स्टोरेज का इशू हो गया है, शायद कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल में और स्टोरेज फुल दिखा रही है, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि पहले इसको मैं क्लीन अप करूँगी, बहुत ही टाइम लगेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्लीन अप करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पहला वाला मोबाइल था उसमें मुझे पता था कहाँ से क्लीन अप करना है, और इसका फंक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे हस्बैंड का मोबाइल है और इसमें स्टोरेज थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं कम ही वीडियो बना रही हूँ, जितना वीडियो बनाई हूँ मैं उतना अपलोड कर दूँगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला करूँगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अभी 11:30 हो रहा है तो मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद सिलाई विलाई करना है मुझे तो वो करूँगी, और सोच रही हूँ आज गोदरेज में मिला लूँ तो वो सब करूँगी, अब देखती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय करो, बाय करो। हम्म।